नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए क्या है उपाय, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे पाएं जीवन में सफलता? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से जीवन में सफल होने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102633। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, पौष मास चल रहा है और पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है सौभाग्य और करण है बालम। और चलिए अब बात करते हैं अगली यानी कि राशियों का राशिफल की, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको कई सारे निर्णय एक साथ लेने पड़ सकते हैं, जिनमें से हो सकता है ऐसा कि कोई निर्णय आपको स्वयं अपना लिया गया निर्णय आपको गलत लगे, लेकिन आपको किसी भी तरीके की चिंता या संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो भी निर्णय लिया है ये आपके लिए हर प्रकार से ठीक होगा। आज आपको किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में राय बनाने से बचना चाहिए, हो सकता है आप जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी ना हो, आपकी जो जानकारी है उस व्यक्ति के बारे में कहीं ना कहीं से गलत साबित हो सकती है। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वर्तमान समय निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। और चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ नए पहलुओं को आज आप जान पाएंगे। आपने किसी से सच छिपा रखा है, आपको समझना चाहिए कि आप जितना उन्हें सच से दूर रखेंगे उतना ही समस्याओं में आप स्वयं घिरते जाएंगे, तो ऐसे में आपको जो सच है उसको व्यक्त कर देना चाहिए। ओम बीजापुर फलाशक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कुछ समय पहले जिस गलती के कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा था, आज फिर कुछ वैसा ही हो सकता है, तो आपको बहुत ही सचेत रहना चाहिए। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति से अपनी भावनाएं आपने छिपा करके रखी हैं, तो आपके लिए तकलीफदेह सिद्ध हो सकता है और समय अनुकूल है, आपको अपनी भावनाएं व्यक्त कर देनी चाहिए। ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ज्यादा उत्सुकता आपके कार्य क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आपने किसी को दुख या नुकसान पहुंचाया है तो माफी मांगने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए, आप स्वयं अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं और अपने लिए समाधान मांग सकते हैं। किसी करीबी व्यक्ति के साथ बातचीत करने में आपको कुछ असुविधा, कुछ परेशानी, कुछ असहजता महसूस हो सकती है, इसलिए आप जो भी कहना चाहते हैं उसे बहुत ही साफ सुथरे और सीधे तरीके से कहना चाहिए, बताना चाहिए। ओम प्रसन्नात्मने नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा और परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएगी। कार्य में यदि कोई बाधा, कोई रुकावट भी आती है तो उससे तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए, ये बाधा, ये रुकावट सिर्फ क्षणिक है, जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। और चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई भी निर्णय लेते समय दिल का नहीं दिमाग का उपयोग करना चाहिए, आज छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करने का दिन है,
अगर हर बात पर नाराज होने लगेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे, आपके सभी साथी, आपके साथ काम करने वाले, आपके सहयोगी आपको अकेला छोड़ करके जा सकते हैं, तो ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में यदि कोई अवरोध आ जाए तो उससे मन को निराश ना करें। तो दर्शकों, इससे पहले कि हम अगली राशि की ओर बढ़ें, आपको बता दें कि अगर आप भी आचार्य जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं और जवाब चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या कहते हैं आज के सितारे। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपने किसी करीबी से वह सारी बातें कर पाएंगे जो आप काफी लंबे समय से कहना चाहते थे, अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते थे, पर अभी तक आपको उचित मौका, उचित अवसर नहीं मिल पा रहा था। आपने किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया है, ऐसा करना आपके लिए सही नहीं है। आपको किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पूरा विश्वास करके अपनी सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर नहीं डालनी चाहिए। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा ना बनाएं। और अभी कॉलर हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गई हैं, काजल जुड़ गई हैं। काजल पूछिए अपना सवाल। हेलो काजल, पूछिए अपना सवाल। हेलो बोलिए काजल। जी मुझे ये पूछना है। हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ। हाँ मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी बताइए। मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ है 1988। जी ये वर्ष हुआ, साल हुआ, डेट, तारीख और महीना बताइए। हाँ उनका 19 सितंबर 1988 और वो हुए हैं वाराणसी सिटी से। जी समय क्या था? समय था 4:45 सुबह का या शाम का? हाँ दोपहर का। जी मुगल सराय में हुए थे सर। जी बिल्कुल, प्रश्न करें बताइए। उनके बारे में पूछना है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज आ रही है, और कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मतलब बहुत परेशानी आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है। ये सूर्य और राहु का संयोग ही अपने आप में बहुत अच्छा नहीं होता, और ये जो सूर्य की दशा है, सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं अशुभता की स्थिति रहेगी। जीवन में जो वृद्धि मिलनी चाहिए, जो आगे बढ़ना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा, तो वर्तमान समय में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं जैसा आपने बताया, और इससे बचने के लिए, परिस्थितियों को अपने पक्ष में लाने के लिए नियमित दिनचर्या में भगवान सूर्यदेव की आराधना करें। सूर्यदेव को तांबे के पात्र से, तांबे के एक लोटे से जल दिया करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अगर ये स्वयं नहीं कर सकते तो इनके नाम से इनके परिवार का कोई व्यक्ति करे तो फायदा मिलेगा। और अभी कॉलर हमारे साथ राजसमंद से जुड़ गए हैं, रतन जुड़ गए हैं। रतन अपना जन्म विवरण दीजिए और फिर सवाल पूछिए। हेलो रतन बोलिए। हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, सुन रहा हूँ बताइए। जन्म तिथि 10/5/91। जी मैं काम धंधे में कोई दिमाग नहीं लगता है और पैसे नहीं कितने पास में। जी एक बार वर्ष फिर से बताइए। 10/5/91। जी देखिए आपने जो अपनी जन्मतिथि बताई और जिस तरीके से आपने बताया कि काम में मन नहीं लगता, वृद्धि नहीं मिलती, तो बुध की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है। वर्तमान समय में भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। यदि आप नियमित दिनचर्या में भगवान गणपति की आराधना करते हैं, ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो जितनी भी अशुभता है उसको नियंत्रित करते हुए, दूर करते हुए आप अपने जीवन में विकास को और वृद्धि को, तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी कॉलर हमारे साथ रामपुर से जुड़ गए हैं, रमेश जुड़ गए हैं। रमेश पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मैं अपनी मिसेस के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उनकी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। जी बिल्कुल। जी नाम है अंजलि। जी और 2 जनवरी 1991 डेट वर्थ। जी समय बता दें। समय का नहीं मालूम। जी देखिए अब समय के अभाव में तो प्रश्न लग्न से ही जानकारी दी जा सकती है। जहां तक आपने इनके लिए सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है, परिस्थितियां काफी हद तक पक्ष में है, प्रयास करना चाहिए। वर्तमान समय में हो सकता है कुछ बाधा आ जाए। 30 अप्रैल 2014 के बाद से सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग अच्छे बनते हैं।
और अभी कॉलर हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं, प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, अपना जन्म विवरण दीजिए और फिर सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा 28 जुलाई जी 1968 जी, दिल्ली स्थान है जी, और शाम 7:30 बजे का जन्म है जी। तो आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट किया है कि मकान के बारे में जानना चाहता हूँ कि मकान बनाना है, बड़ी परेशानी हो रही है जी। बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा है और चतुर्थ भाव में शनि जो है वह नीच का बैठा हुआ, तो अपने नाम से मकान बना पाने की स्थिति तो बहुत कम दिखती है। आपको सुझाव यही है कि आप अपने परिवार में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, किसी परिजन के नाम से अगर संपत्ति बनाने का प्रयास करेंगे तभी कहीं जा कर के आपको सफलता मिलेगी। तो आपको पत्नी या बच्चों के नाम से कोई भी संपत्ति बनानी चाहिए। अगर आप अपने नाम से बना लेते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद कोई संपत्ति बन भी जाती है तो वह चिरस्थायी नहीं रहेगी, ये इनके इन प्रकारण उसे बेचना पड़ेगा या किसी न किसी प्रकार से कोई हानि कोई क्षति की स्थिति आएगी। वर्तमान समय में राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा आपके इस शुभ कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए बहुत बड़ी बाधा बनती है। तो ऐसे में राहु केतु और शनि का यदि आप वैदिक जाप करा करके उपाय करा लें तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में एक अच्छे भविष्य की कल्पना की जा सकती है। एक आप जो अपना घर बनाना चाहते हैं उसमें आप एक सुखमय जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर पाएंगे। और आपके सितारे में फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे पंडित जी से आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को रुपए पैसे के लेन देन को लेकर के आज आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो सकते हैं। आज आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज आपके पास बहुत सारा काम आएगा जो आपके बेहतर जीवन के लिए, आपकी उन्नति के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। बेहतर है खुद को आप इन सारी जिम्मेदारियों के लिए, ऐसे कामों के लिए पहले से ही तैयार रखें। मानसिक तौर पर आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। ओम ब्रह्म द्वेश विवर्जिताय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको दैवीय कृपा भी मिलेगी। जब आपको बड़े काम करने हैं तो दैवीय कृपा ज्यादा आवश्यक हो जाती है और समय बहुत ज्यादा मूल्यवान है, इसको व्यर्थ में गंवाइए नहीं। आपको किसी की निंदा करने में या यूं ही बैठ करके बातें करने में समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। और देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी प्रकार के अनुबंध को स्वीकारने से पहले उसके विषय में सभी सूचनाएं एकत्रित कर लेनी चाहिए। आज के दिन भाग्य का समर्थन आपको पूरा पूरा मिलेगा, इसलिए आप जो काम बहुत दिनों से करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ आप सोच विचार करते थे, प्रयास करते थे और वह कार्य पूरा नहीं होता था, आज आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको कुछ सचेत रहना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों को अपने विचारों को व्यवहारिक रूप देना अच्छा रहेगा इस आज आपके लिए। तो आज आप जो भी सोचते हैं उसको यदि आप एक व्यवहारिक रूप दें, उसको एक प्रैक्टिकल जीवन में उतारने का प्रयास करें तो आज आपको लाभ मिल सकता है। आज चिंताओं को भूल करके खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। धन से जुड़े मामलों में आज आपको कुछ सावधानी बरतनी है क्योंकि कहीं ना कहीं से नुकसान के योग बनते हैं। ओम पाप हारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन की चंचलता को नियंत्रित करें। और अब देख लेते हैं मकर राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका मित्रता का संबंध किसी गहरे रिश्ते में बदल सकता है। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों से नहीं पीछे हटना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। आज फल की चिंता किए बगैर यदि आप कर्म करेंगे, काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ओम परस्मय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि आज की दिनचर्या में कोई यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो इसे टाल देना चाहिए क्योंकि आज का दिन यात्रा के लिहाज से आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। और देख लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको कोई परेशानी बहुत बड़ी जटिल लग सकती है, बहुत विकट समस्या आपके सामने आ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि समस्या छोटी हो आपको बहुत जटिल लग रही हो। आज का दिन किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास करने का, भरोसा करने का के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। आज आपको दूसरों की बातों को, दूसरे के सुझावों को श्रवण भी करना है, ग्रहण भी करना है, तो सिर्फ बोलने की भावना नहीं रखनी चाहिए, सुनते भी रहना चाहिए और हर प्रकार के नुकसान के लिए भी स्वयं को मानसिक तौर पर तैयार रखना चाहिए। ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो जो आज के दिन की नकारात्मकता है आप उसे बहुत आसानी से, बहुत सरलता से दूर कर सकते हैं। और दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी चाहिए कि आप कड़वे बोल ना बोलें, कटु वचन बोलने से बचें। और अब बात करते हैं आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी कभार जरूरत से ज्यादा उत्साह भी किसी व्यक्ति के लिए नकारात्मक हालातों को जन्म दे देता है, तो आज अति आत्मविश्वास, अति उत्साह से बचना है। कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, आज बेकार में कोई जोखिम या कोई रिस्क नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा आप किसी बहुत बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। ओम नागराज यज्ञ पवित्रवते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में यदि आप कोई पार्टनर लेकर के कुछ नई साझेदारी करना चाहते हैं, साझेदारी में कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, तो इसके लिए वर्तमान समय भी बहुत अनुकूल नहीं है, कुछ समय इंतजार करना चाहिए। और अभी कॉलर हमारे साथ करनाल से जुड़ गई है विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार, बताएं। वो मेरे दो लड़के हैं, उनके राशि के बारे में। जी बताइए। अनमोल सिंह नाम है उसका, जी, बड़े लड़के का। उनका जन्म 2 दिसंबर 2001। जी, समय बता दें। हाँ जी, जन्म का समय और स्थान बताइए। 9 दिसंबर। जी नहीं, तारीख नोट कर ली मैंने, आप जन्म का समय और स्थान बताइए। गाँव पिपलसा। हाँ, गाँव पिपलसा। जी, 8:20 पे। जी, ये सुबह का है या शाम का है? सुबह का टाइम है, रविवार का। जी, 8:20। जी बिल्कुल, देखिए एक बार में एक कुंडली के बारे में ही बताया जा सकता है। जहां तक आपने इस बड़े बेटे के बारे में जानकारी चाहिए है, इनकी कुंडली में राहु में बुध की दशा चल रही है, आपने इनकी राशि जानना चाहा तो इनकी मिथुन राशि बनती है, लेकिन इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं से ये पता चलता है कि पितृदोष भी है, और ये पितृदोष कहीं ना कहीं से माता के पक्ष से आया हुआ दिखता है, यानी आपके अपने पक्ष से, आपके अपने परिवार में, आपके मायके में पुराने समय में कोई ऐसी असमय मृत्यु हुई हो, कोई ऐसी दुर्घटना हुई हो जिसमें किसी करीबी व्यक्ति की जान चली गई हो, जिसकी अभी उम्र नहीं थी प्राणों के जाने की, उनके मृत्यु की कोई अवस्था नहीं थी और उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा संयोग दिखता है। जब तक उनकी शांति नहीं की जाए तो ये जो अशुभ योग है, ये जो पितृदोष है, ये दिख रहा है एक व्यक्ति की कुंडली में, परिवार के एक सदस्य की कुंडली में, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है वो पूरे परिवार पर समान रूप से होता है, और ये बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, आपका परिवार इससे ज़्यादा ग्रसित रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए पितृदोष का निवारण त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज मैं आपको सफलता प्राप्ति का महामंत्र देने वाला हूं। अक्सर ऐसे प्रश्न हम लोगों से किए जाते हैं, आप भी सोचते होंगे कि कुछ विशेष उपाय हैं जिनके बारे में मैं बार बार चर्चा करता हूं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर दूसरा व्यक्ति हमसे पूछता है, हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने जीवन में असफल हूं, मुझे सफलता पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। और हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे अनेकों उपाय पड़े हुए हैं जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में करके लाभ ले सकते हैं, तो समय समय पर उन्हीं में से कोई विशेष उपाय मैं आपके समक्ष रखता रहता हूं। आज भी मैं आपको सफलता प्राप्ति का एक बहुत अचूक उपाय बताने वाला हूं।
जो व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहता है उसे दिन प्राण प्रतिष्ठित श्री हनुमान कृपा यंत्र की पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की कुंडली में मांगलिक योग हो अथवा मंगल अशुभ अवस्था में हो, पीड़ित हो, उन व्यक्तियों के लिए भी इस यंत्र की पूजा करना बेहद लाभकारी सिद्ध होता है। श्री हनुमान कृपा यंत्र के नियमित पूजन से सभी प्रकार की ऊपरी बाधाओं, अकारण दुर्घटना, गंभीर रक्त से संबंधित रोग इत्यादि से मुक्ति मिलती है। आपको जो बार बार बात बात पे क्रोध आता है, उत्तेजना रहती है, आप हाई बीपी से परेशान रहते हैं, रक्त से संबंधित हर प्रकार के रोगों के लिए मंगल देवता जो है बहुत अधिक जिम्मेदार होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अभी एक भाई साहब ने पूछा कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, मकान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। वह इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत अशुभ है। तो मंगल जब तक शुभ नहीं होगा तब तक आपको जीवन के जो सुख हैं, खासतौर पर भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित जो सुख हैं, वह आपको प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि मंगल देवता को ही कहा गया है मंगलो भूमि पुत्रस्य अर्थात मंगल जो है वह भूमि पुत्र हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं मिलेगी तब तक आपको संपत्ति का सुख, अपने मकान का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे में मंगल कृपा यंत्र या हनुमान कृपा यंत्र को यदि आप अगर अपने पूजा स्थान में प्राण प्रतिष्ठित करके रखते हैं तो जीवन में हर प्रकार की बाधा को आप दूर कर सकते हैं, हर प्रकार की जो नकारात्मकता है उसको दूर करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए हनुमान कृपा यंत्र ये बहुत ही चमत्कारी माना गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसका बहुत ही विशद वर्णन मिलता है। किसी योग्य आचार्य से विशेष तिथियों में इस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करा करके आप अपने घर के पूजा स्थान में या अपने ऑफिस में, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में रखें और नियमित पूजा अर्चना करते रहें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। जय हनुमान। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।